एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव क्वेश्चन थ्री तो क्वेश्चन थ्री इन्वेस्टिगेट यूज स्ट्रिप एंड फास्ट टू मेक अ ट्राइंगल एंड कॉर्डिनेटर ठीक ट्राई टू पुश इन वट एट वन व ट्राएंगल डू द शेम ऑफ द कॉर्डिनेटर इज द ट्राएंगल इज द ट्राएंगल डिस्टॉटेड ठीक है क्वाडिटर इज द इज द इज़ इज़ द इट द इस्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टॉवर मेक यूज ऑफ ट्राइंगल शेप एंड नॉट क्वाडिनेटर तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ईजी है ओके okay? ज़्यादा यादाहट नहीं है तो ये कह रहे हैं कि आपको ट्राइंगल लेना है और आपको लेना है डेल्टा तो क्वाडेक्ट और ट्राइंगल अगर उसके शेप में चेंज किया जाए ठीक है तो कौन सी शेप चेंज होगी तो स्टूडेंट ध्यान रखना इस बात का जब भी ट्राइंगल को चेंज करते हैं तो उसके एंगल्स तो चेंज होंगे लेकिन पूरा ट्राइंगल चेंज नहीं होता है तो मैंने इस ट्राइंगल को ट्राइंगल था पहले ए ओ बी था और मैंने बी ओ सी कर लिया तो उसका लिखा है ओ इज द कॉमन पॉइंट कॉमन टू दोथ एंगल्स ठीक है एंगल ए ओ ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी ठीक है ध्यान रखना से बात कर फिर सेकंड है नो ट्राइंगल इज नॉट ट्राइंगल इज नॉट डिस्टोर्टेड देखो इसका मीन्स होता है चेंज होना डिस्टॉर्ट में होता है चेंज होना तो ट्राइंगल में कोई चेंज नहीं होता वर्ड द क्वालिटी इज चेंज ओके एंड ऑल्सो द ट्राइंगल इज रेजेट मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई भी चेंज नहीं होता है स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक अब इलेक्ट्रिक टावर को ट्रायंगल के शेप में इसलिए बनाते हैं कि मजबूत हैं तो मजबूत होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं ठीक है वो चेंज नहीं होते हैं इसलिए उसको इलेक्ट्रिक टावर को हम ट्रायंगल के शेप में बनाते हैं ओके तो इसका मीन ये है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में बस यही था आपको इन्वेस्टिगेट करना था क्वेश्चन नंबर थ्री में तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं कराया था आप कोशिश करना नहीं तो चलो वैसे इसको इम्पोर्ट नहीं था ज़्यादा कराना लेकिन मैंने करा दिया ठीक है अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चंस में समझने में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना और